हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 सी अंडर लिनक्स, और हमारा टॉपिक है पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम एक जो मेन प्रोसेस को रन करते हैं वो हमारा पेरेंट प्रोसेस हो गया, जब उस प्रोसेस से हम दूसरा कोई प्रोसेस क्रिएट करते हैं या फिर उस दूसरे प्रोसेस को हम जब कॉल करते हैं तो वो हो गया हमारा चाइल्ड प्रोसेस। तो ये जो पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है ये हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत यूज करते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना बुक ओपन कर लेते हैं, लेट अस सी। और ये देखिए, ये हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस ये क्या है कि अगर हम अपना एक प्रोसेस रन कर रहे हैं तो वो हमारा पेरेंट प्रोसेस हो गया, जब हम उस प्रोसेस से कोई दूसरा प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है पेरेंट प्रोसेस, और जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है चाइल्ड प्रोसेस, और हमारा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाता है दोनों प्रोसेस के बीच में। अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्क। तो ये जो फॉर्क फंक्शन है इससे हम प्रोसेस से एक और प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यूजिंग आवर ऑनलाइन कंपाइलर। तो मैं आपको क्विकली ये प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पे दिखा देती हूँ। आपको लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड unistd.h। तो ये जो unistd.h है ये फॉर्क प्रोसेस के लिए। अब हम int main लिखेंगे, फिर प्रिंट एफ बिफोर फॉर्किंग, मतलब हम अभी मेन प्रोसेस में हैं। जब हम करते हैं fork फॉर्क प्रोसेस, फॉर्क फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो क्या होगा, एक और चाइल्ड प्रोसेस हमारा क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ आफ्टर फॉर्किंग। तो क्या होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट होने के बाद ये जो आउटपुट है वो आएगा, दैट इज आफ्टर फॉर्किंग। तो उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न जीरो और इस प्रोग्राम को हम रन कर देंगे। ये देखिए, आपको रन पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को रन करना है, और फिर जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा जहां पे आएगा कि बिफोर फॉर्किंग का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और फॉर्क प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा आएगा आफ्टर फॉर्किंग। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। आप इसको जरूर परफॉर्म करके देखना। आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया है onlinegdb.com। तो ये बहुत ही यूजफुल कंपाइलर है, आप इसको यूज करके फॉर्क प्रोसेस को रन करके देख सकते हैं। So I hope this video was interesting. Thank you.